में, और अगर आप नए हैं देखिए सब्सक्राइब का यहाँ पे लाल बटन है, बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। यस बैंक लिमिटेड, आज इस बैंक में भयानक बिकवाली हुई है और एक नया लो बनाया है, तो ज़रूर निराशा है उन लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर हैं इसमें। तो NSE की साइट पर हम आ चुके हैं, पहले हम देखते हैं क्या स्टेटस है। इस समय हो रहा देखिए 13 अगस्त 2019 और 1:05 की जो स्थिति है करंट, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यस बैंक लिमिटेड और प्रीवियस कॉल क्लोज यानी कि फ्राइडे को जो हुआ था 82 पे, ओपन हुआ आज 84 पे और हाई था 84.20 का, लो बनाया 73.40 का, 6.25 की इस समय डाउन साइड दिखा रहा है यानी कि 7% से ज़्यादा की। और अगर हम ऑर्डर बुक में चलते हैं तो देखिए सेलिंग क्वांटिटी है 1,42,55,000 समथिंग, और वहीं बाई क्वांटिटी सिर्फ 57 लाख है। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम शेयर्स हैं 13 करोड़ के, भयानक इसमें ट्रेडिंग भी चल रही है। और इस तरीके से ज़बरदस्त बिकवाली का दबाव बना, इस वजह से आज इसमें काफ़ी प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आने की वजह से ये फिर से एक नया लो बना चुका है और नीचे की ओर टूट गया है। तो डिलीवरी की स्थिति साफ होगी मार्केट क्लोज होने के बाद कि कितने परसेंट हुई, बट हम इसके कुछ और भी फंडामेंटल्स देख लेते हैं, इसे रिजल्ट्स इनके कैसे रहे हैं जिन लोगों को शायद ना पता हो या जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं इस चैनल से। कई वीडियोस बना चुका हूँ इस पी एस बैंक पे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जून 18 से और जून 19 जो इंटरेस्ट अर्निंग थी इसमें 18% की अपसाइड है, इसमें शानदार थी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 20% की डाउन साइड थी। शुद्ध लाभ जो जून 18 में यानी पिछले साल था 1260 करोड़ का, वो इस साल हो गया जून 19 में 113 करोड़ का, 90% के आसपास की डाउन साइड है। ये तो ठीक है, लेकिन अभी क्वार्टर के हम दिखाते हैं आपको। देखिए मार्च 19 और जून 19 में हम कंपेयर करते हैं क्वार्टरली में, तो देखिए इन्होंने जो है इंटरेस्ट अर्निंग तो खैर ठीक है, बराबर ही था लगभग, थोड़ी सी डाउन साइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे 48% की अपसाइड है, लेकिन NPA भी यहाँ बढ़ा हुआ है और इन्होंने 1500 करोड़ का लॉस दिखाया था, प्रोविजनिंग की थी बैड लोन्स जो इनके नहीं उनकी पेमेंट्स आ रही है उसको इन्होंने अपने नतीजों में यहाँ पे लॉस दिखा दिया था 15 करोड़ से। उस दिन से इसके शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट है, बिकवाली काफ़ी हुई और जून 19 में 113 करोड़ का हालांकि जो है प्रॉफिट में आया, इस वजह से यहाँ पे 107% की अपसाइड है शुद्ध लाभ में, नेट प्रॉफिट में। तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही बेकार रिजल्ट थे, क्वार्टरली थोड़े से अट्रैक्टिव इसलिए लग रहे हैं कि जहाँ पिछले क्वार्टर में इन्होंने सीधे 1500 करोड़ का लॉस दिखाया, वहीं चलो इस बार कम से कम प्रॉफिट में तो आई, तो इस वजह से फिर भी नहीं संभला और लगातार इसमें गिरावट बनती रही, खरीदिंग बिकवाली ये सब चलता रहा। बजट के बाद तो और स्थिति ख़राब हो गई, प्रमोटर्स के पास 19% से ज़्यादा के शेयर से, और इसमें जो मेजॉरिटी है शेयर होल्डर्स की वो है FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें ज़बरदस्त होल्डिंग बनाए हुए हैं अभी भी, हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे घटी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। यहाँ से देखिए 40% के आसपास जो मार्च 19 में थी, जून 19 में हो गई यहाँ पे 33% के आसपास। LIC ने ज़बरदस्त इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, 8.87 की होल्डिंग है और इंडिविजुअल्स हैं खुदरा ग्राहक 20% के आसपास। तो लगातार इसमें गिरावट पे गिरावट देखने का हमें मिल रहा है, और अगर हम देखें तो एक साल पहले जिन्होंने, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 1,00,000 रुपये जिन्होंने लगाए थे उनका रुपया बचा है सिर्फ 20,000, इसी तरीके से जिन्होंने 6 महीने पहले पैसे डाले थे उनको भी 57% का लॉस हो रहा है। P/E 11.14, अर्निंग पर शेयर 7.37, प्राइस टू बुक 0.64, डिलीवरी 22% के आसपास, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, मार्केट कैप है 19,000 के करोड़ के आसपास और फेस वैल्यू 2 रुपये की है, लिस्ट हुआ था 2005 में। तो आज इसने फिर से एक नया लो बना दिया है और ये देखिए टुडेज लो 73.40। अब अगर हम देखते हैं कि कौन से प्राइस इनका जो आज के समय अभी प्राइस है, आज 75 रुपये के जो आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ये करीब करीब हमें 2012 और 13 के बीच में मिला करता था।
तो आज से 7 साल पहले के प्राइस पे हमें ये मिल रहा है स्टॉक। अब आपको क्या करना है, अगर आप क्या आपको सूझबूझ के साथ कैसे निवेश करना है, क्योंकि होता क्या, देखिए इसने काफ़ी रिटर्न बना के दिया था और 1 साल से जो इसमें गिरावट आई है, हाई जो इसका 404 था पिछले साल, उससे लगातार गिरावट आई। अगर हम 1 साल का यहाँ पे चार्ट देखते हैं और तो लगातार गिरावट आई है, फिर ऊपर भी थोड़ा संभला था। कब संभला था? जब मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा अपॉइंट हुए थे, उसके बाद से फिर जब ये लॉस दिखाया तो उसके बाद फिर लगातार गिरावट और गिरावट, फिर लो बना लिया आज इसने 73 रुपये के आसपास। तो अब कितना नीचे के लेवल तक जाएगा ये अभी कहने वाली बात नहीं है। बहुत लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, कुछ लोग IDFC फर्स्ट बैंक में जा रहे हैं कि वो भी आगे आने वाले समय में अच्छा दे सकती है रिटर्न। तो इस तरीके से अच्छी बैंकों का आप चयन करें, बंधन बैंक हो गई, HDFC बैंक हो गई। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए बैंक यस बैंक नो डाउट बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि शेयर प्राइस टूट गया है तो बैंक के कस्टमर्स भाग गए हैं, या उन्होंने अपने सेविंग या करंट अकाउंट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, या लोगों ने जो है लोन लेना इनसे बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन पे निर्भर है कि अब ये सुधर रहे हैं कि हम कॉरपोरेट लोन कम करेंगे, रिटेल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि स्थिति यहाँ पे साफ है, इनका NPA क्यों बढ़ा था, क्योंकि इनका जो टॉप सेगमेंट में कॉरपोरेट बैंकिंग से इनको 60% की आय थी, ट्रेजरी से इनको 27% और रिटेल बैंकिंग से सिर्फ 12%, जबकि रिटेल बैंक ज़्यादा होना चाहिए था। कॉरपोरेट वही जो इंडस्ट्रीज़ या किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देना, तो उसमें डूबने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से, और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से उन्होंने 3 जून 2019 को डिविडेंड भी पे किया हुआ है। कंपनी लॉस में रहते हुए भी पे कर रही है अपने निवेशकों, कुछ तो राहत दे रही है। तो चलिए आज मैं वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सुझाव का मुझे स्वागत रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।